channel friends. I'm back with another review video, and in this video I'm going to share my updated review for the wardrobe. क्योंकि उस वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ यू वर क्यूरियस टू नो अबाउट द अपडेट्स ऑफ दैट वार्डरोब. आई थॉट वाई नॉट लेट्स जस्ट शेयर द अपडेटेड रिव्यू वेर आई एम गोइंग टू टेल यू माई एक्सपीरियंस आफ्टर अ ईयर, मोर देन अ ईयर ऑफ यूजिंग इट. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो मैं पहले से आप लोगों को बता देती हूँ कि बैकग्राउंड में अगर कुछ भी चिल्लाने की या खेलने की आवाज़ आती है देन प्लीज डोंट माइंड बिकॉज माई लिटिल वन इज प्लेइंग. एक बार सम अप करके बता देती हूँ कि मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने किन चीज़ों के बारे में शेयर किया था. द वार्डरोब वी बॉट इट वाज फॉर 16,000 रुपीज एंड इट वाज अ 4-door वार्डरोब. हमें असेंबली प्रोवाइड नहीं की गई थी, सो हमें अपने पैसों से प्लीज डोंट माइंड. सो हमें अपने पैसों से 2,500 रुपीज़ वी हैड टू स्पेंड, आर ओन मनी वी हैड टू स्पेंड टू गेट द असेंबली डन. वो जो कारपेंटर्स भी थे जिन्होंने असेंबली की थी वो भी उनकी तरफ से प्रोवाइडेड नहीं थे. अगर प्रोडक्ट को कुछ हो जाता या कुछ गड़बड़ हो जाता है, टूट फूट जाता, तो इट वॉज टोटली आर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज अकॉर्डिंग टू कंपनी अगर हमने एक बार बेच दिया तो वो आपका सामान है, फिर इट्स नॉट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए. इन माई वीडियो द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड की जो भी मैंने रिव्यू डाला है इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट की 16,000 रुपीज में इससे ज़्यादा अच्छा आप कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो एंड ऑल दोज थिंग्स. क्योंकि उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था दिस प्रोडक्ट दिस फर्नीचर विल सर्वाइव फॉर एटलीस्ट 3-4 ईयर्स, बट ऑन दैट बेसिस आई टेक माई स्टेटमेंट बैक बिकॉज ये जो कंडीशन अभी वार्डरोब की हो रही है तो अब हमें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ रहा है कि हमें एक नया वार्डरोब शायद खरीदना पड़े विद इन 6-7 मंथ्स बिकॉज दिस विल नॉट सर्वाइव मोर देन दैट. डिटेल्ड रिव्यू इज देयर इन माई चैनल विच आई अपलोडेड प्रीवियसली. इफ यू वॉन्ट दैट यू कैन गो टू दैट वीडियो एंड चेक इट आउट फर्स्ट एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो. सो एज यू एंटर माई बेडरूम जस्ट राइट साइड में ये कबर्ड है जो कि मैंने पहले भी दिखाया है कि इस जगह पे रहता है, यहाँ पे एक लॉन्ड्री बैग रहता है. तो ये जो जॉइंट्स आप देख रहे हो यहाँ पे जो ये स्क्रूज लगे हैं ये तीन जगहों पर लगे हैं. ये एक ऊपर है, ऐसे ही दो है ऊपर. ये देखिए आपको प्रॉपर दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने इस पर स्टिकर लगाया था. ये इतना अगली दिख रहा था कि मुझे इस पर स्टिकर लगाना पड़ा. मोस्टली निकल ही चुके हैं, नीचे भी दो लगे हुए हैं. रीज़न है ये ऐसा दिख रहा है. ये है ना यहाँ से बिल्कुल लाइक अ पेपर यू नो. वेरी आई एम सो अपसेट अबाउट दिस थिंग एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस नाउ. ये देखिए यहाँ भी ऐसी ही हालत हो रही है एंड दिस इज हाउ इट इज. वेर इट वॉज सपोज टू बी लाइक दिस, ये ऐसा होना चाहिए था. पहले ये ऐसे ही था, बाद में हमें क्योंकि दरवाज़ा टूट गया था और टूटने का कारण भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ थोड़ी देर में. दिस शेल्फ ना इट्स नॉट स्ट्रेट, इट्स बेंडिंग. आपको ऐसे दिखाऊं तो शायद दिखेगा, आई डोंट नो आप गेस कर पा रहे हो या नहीं, लेकिन आप ऐसे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा बीच में से यहाँ से बीच की तरफ नीचे जा रहा है. साइड्स में ये बराबर है. और ऐसा सिर्फ इस शेल्फ के साथ नहीं है, बाकी के सारे शेल्फ्स भी ऐसे ही हो गए हैं. ये भी ऐसे ही है, टेढ़ा हो रहा है. ये ऊपर वाला भी ऐसे ही है. बाजू के जो डोर है उसमें भी जो शेल्फ्स हैं उनकी भी यही हालत हो रही है. वो मैंने आपको दिखाया पहले, ये है अगला. इसकी भी हालत ऐसी ही हो रही है. ये देखो नीचे वाला जो शेल्फ है ये बेंड हो रहा है. भी ऑर्गेनाइज करने का टाइम नहीं मिला है. सो मुझे लगता है ऐसे ये सब रख के सिर्फ 2 महीने हुए होंगे कि ये ऐसे है सामान, वरना यहाँ पे सामान कम होता था. मैंने ज़्यादा सामान नहीं रखा था उसके बावजूद शेल्फ्स की ये हालत है. नेक्स्ट आई विल शो यू. ये तो मैंने ऐसे ही ये पिंक सा बांध के रख दिया है बिकॉज ये हमेशा खो जाता है मेरा. ये मेरे एक ड्रेस का है. नाउ दिस ड्रॉअर, दिस इज़ द ओनली ड्रॉअर इन दिस वार्डरोब. ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये हैंडल तो फॉर्जरी है बिल्कुल. ये स्टील जैसा दिखता है फोटो में जब आप देखोगे खरीदने के टाइम पर, बट जब आप खरीदते हो तो पता चलता है इट इज़ फाइबर. नाउ इनसाइड द कंडीशन इज रियली बैड.
यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे इतनी जगह है, ऑलमोस्ट इतनी जगह है, यहाँ पे भी बहुत जगह है, इतनी जगह है, ऑलमोस्ट इतनी जगह है, यहाँ पे आप आराम से 5 से 6 फाइल्स और रख सकते हो, लेकिन अब मैं कुछ नहीं रख सकती, मुझे यहाँ से चीज़ें निकालनी पड़ी हैं और बाहर रखना पड़ा है। रीज़न इज़ ये, सी यू सी दिस, ये है मेरा हाथ, ये हालत है इसकी, ये हालत हो रही है इसकी, एंड वी डोंट नो वॉट टू डू विद दीज थिंग्स नाउ, क्योंकि इतनी बुरी हालत में मैंने कभी कोई चीज़ पहले नहीं देखी। जो दिया था ना इन्होंने नीचे ड्रॉअर का जो बेस था, दैट हैज़ कम ऑफ कम्प्लीटली। ये देखो, इस जगह पे वो ड्रॉअर जो है इस जगह पे स्टक हो जाता है और अच्छे से रहता है, इंजीनियर वुड में भी। जॉइंट्स देखो, जॉइंट्स कैसे बाहर आ रहे हैं, ये देखो, यू सी दिस, ये भी बाहर आ गया था, ये हमने वापस से हाथ से बस ऐसे मार के लगाया हुआ है किसी तरह से। और ये देखो, ये जो इसका जो बेस था वो ये था, तो ये है हालत। सो इग्नोर ऑल दिस डस्ट एंड ऑल, बिकॉज एज आई टोल्ड यू 3 मंथ्स आई वॉज इन देयर, तो सारा ये डस्ट अक्यूमुलेट हो गया है, एंड अभी इमिडिएटली मैं ये सब कर भी नहीं सकती। तो इस शेल्फ का जो बेस है, इस ड्रॉअर का जो बेस है वो ये है, इसको यहाँ आना था। ये चीज़ जो है ये लगती है वहाँ कॉर्नर में, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर में, बहुत ही रद्दी सा मटेरियल है, पता नहीं क्या है, दिस इज व्हाट दिस इज आई डोंट नो। सो इस कंडीशन में है ये फाइल्स वगैरह, मैंने निकाल दिए उसमें से, सो दैट आई कैन गिव यू अ प्रॉपर लुक ऑफ दिस थिंग। सो दिस इज़ द कंडीशन। ये जो वार्डरोब आपने देखा अभी, ये इसकी हालत ऐसी हुई है, ये कैसे हुई है, इसका डोर कैसे बाहर आया। माई हस्बैंड हैज़ अ किट बॉश का, उनके पास हैवी ड्यूटी किट है, टूल किट है, उस टूल किट से, हैवी है वो, आई अंडरस्टैंड, आई अग्री इट इज़ हैवी, बट नॉट दैट हैवी कि पूरा एक डोर बाहर आ जाए। उसको लाने या ले जाने के टाइम पे वो डोर से किसी तरह से हिट हो गया था, और उसके बाद ही ये डोर बिल्कुल बाहर आ गया। ऊपर के जो दो स्क्रूज अटैच थे, वो जो अटैचमेंट्स थे, वो पूरे पूरे बाहर आ गए, जिसके बाद मुझे अलग से फिर एक बार कारपेंटर को बुला के और 300 रुपीज़ पे करके वो पूरा डोर बाहर निकलवा के और वापस से अटैच करवाना पड़ा था। मैंने टीवी यूनिट का भी रिव्यू किया हुआ था, आप देख सकते हो उसको भी। ये मैं टच करके ही बता सकती हूँ कि अगर इसमें भी थोड़ा सा वो टूल किट इस जितने ज़ोर से उससे लगा था ना, उससे ज़्यादा ज़ोर से भी इसमें मार दूँ तो इट विल नॉट कम ऑफ लाइक दैट। सो हियर एम गोइंग टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चन दैट आई हैव गॉट ऑन माई प्रीवियस वीडियो, जिसमें से एक था कि हम इस प्रोडक्ट को डिसमेंटल करने के बाद कहीं पर शिफ्ट कर सकते हैं या नहीं, या वॉट एवर, शिफ्टिंग के बारे में कुछ था। सो लेट मी टेल यू कि ऑफकोर्स आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ ये शिफ्टिंग की कंडीशन में रहेगा या नहीं, बिकॉज चाहे आप इस सामान को असेंबल करने के 2 महीने बाद या 2 साल बाद आप कहीं शिफ्ट करो, तो इसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि आप दोबारा इसमें ठोकना पिटना कुछ करते हो तो देर आर चांसेस दैट इस ये टूट फूट जाएगा, बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि येस, आप इसको डिसअसेंबल करके वापस से असेंबल कर सकते हो और शिफ्ट भी कर सकते हो आराम से। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज दैट हमारे वॉलेट में 5,000 रुपीज़ है, किसी ने कमेंट किया था कि हम उसको कैसे रिटर्न कर सकते हैं। सो लेट मी टेल यू, जब मैं ये आइटम्स शॉप कर रही थी तो मेरे वॉलेट में भी इसी के अराउंड कुछ अमाउंट था, एंड व्हेन आई वांटेड टू रेडीमेड, मैंने सिर्फ कस्टमर केयर को कॉल करके नहीं, स्टूडियो में जो अवेलेबल होते हैं बात करने के लिए उनसे भी मैंने बात की। उन्होंने मुझे ये बताया कि आप जितना भी शॉपिंग करोगे उसका 25% अमाउंट ही सिर्फ आप अपने वॉलेट से डिडक्ट करवा सकते हो, बाकी का पूरा पूरा अमाउंट आपको खुद पे करना पड़ेगा। विच मीन्स अगर आपने 100 रुपीज़ की शॉपिंग करी है और आपके अकाउंट में, आपके वॉलेट में 100 रुपीज़ है, तो आप वो पूरा पूरा 100 रुपीज़ अपने वॉलेट से नहीं पे कर सकते। उस 100 रुपीज़ में से आप सिर्फ 25 रुपीज़ पे कर सकते हो अपने वॉलेट से, और बाकी का 75 रुपीज़ आपको अपने तरफ से पे करना पड़ेगा, अपने अकाउंट से पे करना पड़ेगा या कैश में पे करना। जस्ट अ काइंड ऑफ ट्रैप मार्केटिंग, अपने आप को मतलब अपने कस्टमर्स के साथ फंसा के रखने का ये एक तरीका है कि आप शॉपिंग और करते जाओगे उन अमाउंट को रिडीम करने के लिए, अपने वॉलेट में जो अमाउंट है उसको रिडीम करने के लिए, और आप और ज़्यादा फंसते जाओगे इस चीज़ में, क्योंकि वो अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा और फिर आप उसमें से सिर्फ छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सा ही पे कर सकते हो, विच इज़ नॉट वर्थ इट, क्योंकि फिर असेंबली ये वो चीज़ें आपको आगे से ज़्यादा जगहों पर ये नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो आपको अपने पॉकेट से चला जाता है, तो वो जो आपको डिस्काउंट मिल रहा होता है
वो आपका असेंबली जो अपने कारपेंटर से आपने करवाई है अलग से पैसे दे के 2500 रुपये, 2800 रुपये, 3000 रुपये, 2000, चलो 1000 रुपये भी, तो इट गोज ऑफ लाइक दैट. सो यस, इट इज़ योर चॉइस कि अगर आप वॉलेट से रिडीम करना चाहते हो तो. जब मैंने किया था उस टाइम इट वॉज जस्ट 25% जो आप अपने वॉलेट से पे कर सकते थे, बाकी का पूरा पूरा आपको अपनी तरफ से पे करना होता है. जितना सामान आप अभी देख रहे हो मेरे वॉर्डरोब में, आप मेरा प्रीवियस ब्लॉग देखोगे आपको पता चल जाएगा, इट्स बिन 3 मंथ्स कि मैं यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि मुझे बैग्स खाली चाहिए थे. वरना वो जो सारे आप सामान दिख रहे हो वो मैं अपने ट्रॉली के अंदर डाल के अपने बेड बॉक्स में रख देती हूँ, क्योंकि मुझे जाना था और मुझे बैग्स खाली चाहिए थे. तो 3 ट्रॉली भर के सामान मैंने अंदर रखा हुआ था. वो ट्रॉलीज खाली करने के लिए मुझे वो सामान निकाल के वार्डरोब में रखना पड़ा था. इट इज़ वेरी मच क्लियर नाउ दैट माई रिव्यू इज काइंड ऑफ नेगेटिव अबाउट दिस वार्डरोब. ओके, सो वीडियो अगर किसी भी रीजन से आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो. एंड अगर आपका भी ऐसे ही कुछ रिव्यू है देन ऑल्सो लेट मी नो. कुछ क्वेरीज है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए. आई ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज इन माई नेक्स्ट वीडियो और मे बी इन द कॉमेंट बॉक्स इट सेल्फ. कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियोज एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.